वेलकम टू SS डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक DBGD का जो आज एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है, यानी 26 सितंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो सेक्शंस ए की फुल एनालिसिस देने वाला हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नाविक DBGD और यांत्रिक एग्जामिनेशंस में सेक्शंस ए जो होता है कॉमन होता है, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं GK GS मैथ इंग्लिश रीजनिंग का। तो ये सारे को ओवरऑल बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आने वाले शिफ्टों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कई क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली रिपीटेड मिल सकता है और साथ में आपको एक लेवल की जानकारी मिलेगा। फ्रेंड्स, 25 सितंबर 2021 के तीनों शिफ्ट का प्रॉपर ढंग से मैं आपको एनालिसिस दिया हूँ, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशंस है। तो चलिए फ्रेंड, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका PDF डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था CFL का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिंपल क्वेश्चन जॉन डाल्टन ने दिया था। क्वेश्चन थर्ड देखिए, फलों को पकाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है। तो देखिए, दो गैस देखिए ऑप्शंस में, यदि एथिलीन गैस होगा तो ये सही होगा, और नहीं तो एसिटिलीन गैस दिया होगा, दोनों में से कोई दिया होगा। फोर्थ देखिए, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन है। तो देखिए, गोंड से ज़्यादा अभी जनजाति पाई जाती है भील जनजाति, तो ये आंसर्स होगा। यदि भील नहीं दिया होगा तब गोंड आप लोग सही कीजिएगा। फाइव देखिए, विद्युत फ्यूज क्यों जल जाता है। तो अधिक धारा बहने के दशा में विद्युत फ्यूज जल जाता है। क्वेश्चन सिक्स देखिए, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप सभी जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। क्वेश्चन सेवन देखिए, कौन सा राज्य हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये तो कन्फर्म नहीं, ऑप्शंस क्या था मुझे जानकारी नहीं है, यदि आप लोग ऑप्शंस की जानकारी देंगे तो मैं इसको क्लियर करूंगा। क्वेश्चन एट देखिए, जल का हिमांक बिंदु डिग्री फॉरेनहाइट में क्या होता है। तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। क्वेश्चन नाइन देखिए, सबसे उपजाऊ मिट्टी पूछा गया है, तो जलोढ़ मिट्टी है। क्वेश्चन टेन देखिए, दाब का मात्रक क्या होता है। तो पास्कल होता है। इसमें कुछ जो GD एग्जामिनेशन हुआ है उसके फिजिक्स के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, ये मैं बताया दाब का मात्रक पास्कल। 11 देखिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से किस ऋतु में चलती है। तो शीतकाल ऋतु में चलती है। क्वेश्चन 12 देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। सतलुज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लंबी कूद के लिए खिलाड़ी दूर से दौड़ते हुआ क्यों आता है। तो ये गति के जड़त्व के लिए आता है। क्वेश्चन 14 देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। आप सभी जानते हैं मीथेन होता है। क्वेश्चन 15 देखिए, दाब का मात्रक क्या है। तो पास्कल होता है। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन का यहाँ पर पूछा गया था साइनोनिम्स, जिसका ऑप्शंस मतलब होता है गंदा, है ना, तो अश्लील, तो ये होता है डर्टी, बल्गर, ये सभी हो जाता है इसका साइनोनिम्स। क्वेश्चन 17 देखिए, झील का पूछा गया था एंटोनिम। देखिए, झील मतलब उत्साह होता है, तो एपैथी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अब मैं आपको ओवरऑल बता दूं, EDM से एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। वॉइस से देखिए, वॉइस और नरेशन से मिलाकर लगभग 4 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चंस और नरेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रिग्नोमेट्री से कन्फर्म एक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी वैल्यू वाला। और देखिए, मोड मीडियम से 2 क्वेश्चन आ रहा है। एडवांस मैथ से लगभग बहुत सारा क्वेश्चन मतलब आ रहा है, तो आप लोग एडवांस पर फोकस कीजिएगा। नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन आया था। एवरेज से 2 क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन। ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन। ज्योमेट्री से मतलब लड़के बोल रहे थे कि लगभग 4-5 क्वेश्चन दिया गया था। तो आप लोग एडवांस मैथ आप ज़्यादातर मतलब पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से, डायरेक्शन से, ब्लड रिलेशन से, ये जो सीरीज वाला है क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिगर से 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक को आप लोग क्लियर करके जाइएगा। तो आई होप कि आप सभी को अच्छा एनालिसिस लगा होगा। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं 28 सितंबर 2021 तक आपको प्रत्येक शिफ्ट का एनालिसिस कराने वाला हूँ प्रॉपर ढंग से। जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा जेन्युइन होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, सेकेंड शिफ्ट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।